हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन फूड हेरिटेज। जैसे कि आप सबको ही मालूम है, मानसून का मौसम स्टार्ट हो चुका है और बहुत अच्छी बारिश हो रही है बाहर इस वक्त। तो ऐसे में कुछ गरम गरम खाने को मिल जाए ना, बहुत टेस्टी जाता है, बहुत मज़ा आता है। तो चलिए, मैं आज आपके सामने ये देखिए पॉम्पलेट की रेसिपी लेके आई हूँ। और मैं एक चीज़ की बहुत ही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग ना प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग को थोड़ा सपोर्ट दीजिए मेरे को, जिससे कि मेरे को और अच्छा वीडियो बनाने में मदद मिले। क्योंकि मैं नॉनवेज बहुत रेयर खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती, और मेरे को उतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है बनाना। लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको नॉनवेज पसंद हैं, तो मैं उनके लिए स्पेशली ये रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए मैं आगे चल के इनके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ आपको। ओके फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मैंने पूरे स्पाइसेस ले लिए। ये हमारा गरम मसाला है, ये चाय का आधा चम्मच है। यहाँ पे हल्दी है, ये भी हमने चाय का आधा चम्मच लिया। नमक जो आपको अपने हैं स्वाद के अनुसार ले लेना है। यहाँ पे जो है जीरा पाउडर है, ये भी चाय का एक चम्मच है। धनिया पाउडर चाय का एक चम्मच, रेड चिली पाउडर दो चम्मच, और जिंजर गार्लिक पेस्ट ये भी दो चम्मच। तो चलिए हम इसको एक बड़े से बाउल में मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे स्पाइसेस मैंने मिक्स कर लिए पूरे। और अब हम इसमें अपना फिश जो है वो रखेंगे और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, एक इसमें 1 टीस्पून। अब हम इस ऑयल को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होता है, मॉइस्ट बनेगा आपका जो फिश है ना, बहुत अच्छा बनेगा। उसके लिए हमने इसको ऐड करा है। तो चलिए हम अपने फिश पे इसकी कोटिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिश में थोड़ा सा कट है। जहाँ से मैंने फिश परचेज की थी ना, उन लोगों ने मेरे को मार के दिया था। और मैंने नमक से ना इसको अच्छे से घर पे लाके वॉश कर लिया है। तो आप भी प्लीज़ ऐसे ही करिएगा। अब ये जो हमने यहाँ पे अपना स्पाइस रेडी किया था, इसको हम इसकी स्किन पे अच्छे से लगा देंगे और उसके बाद इसको हाफ एन आवर के लिए छोड़ देंगे, इसको मैरिनेट होने के लिए। तो चलिए मैं सारी फिश में इस तरीके से, ये देखिए अंदर का जो कट है इसमें भी लगाएंगे आप, और पूरी फिश को आप लगा देंगे अच्छे से और हाफ एन आवर के लिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए मैं बाकी फिश में भी लगा लेती हूँ। आधा घंटा गाइस कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम लोग अपनी फिश फ्राई कर लेते हैं, एक एक करके फिश फ्राई करेंगे। मेरा पैन थोड़ा छोटा है, आप चाहे तो दो भी डाल सकते हैं सब। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑयल को गर्म कर लिया है अच्छे से, और मैं अब इसमें इसको डीप फ्राई करूँगी। आपको एक साइड मछली से 5 मिनट फ्राई करनी है और दूसरी साइड भी 5 मिनट फ्राई करिए। 10 मिनट्स में आपकी मछली जो है एकदम रेडी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे को 5 मिनट हो गए हैं फिश को पकाते हुए, और अब हम बड़े प्यार से इसको दूसरी साइड भी पका लेंगे। आराम से खाइए आप, कोई परेशान होने की बात नहीं इसके लिए। ये देखिए लाइट ब्राउन कलर आ गया है और ये हमारी 90% डन हो गई है लगभग। अब ये दूसरी साइड भी आप 4 से 5 मिनट्स करीब पका लीजिए, आपकी फ़िश डन हो जाएगी। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी फ़िश फ्राई रेडी हो गई है, और बहुत ही जल्दी मैं आपसे दूसरी रेसिपी के साथ मिलूंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कुछ भी कमेंट है या कुछ भी आप मेरे को पूछना चाहते हैं या कोई रेसिपी मेरे से दोबारा से चाहते हैं, कोई अच्छी सी रेसिपी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल कर सकूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय।